आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देवी माता रानी के दरबार सज गए हैं। शक्ति की उपासना के पर्व शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। सिद्ध देवी दरबारों में भोर की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। माता की भक्ति में डूबे गीतों व भजनों की आवाजों से तालियां गुंजायमान हो रही हैं। माता के जयकारों से संस्कार धानी की हर गली गूंज उठी है। माता को जल चढ़ाने के लिए महिलाओं बच्चों सहित पुरुषों की लंबी कतारें देवी दरबारों में देखी जा रही है। 9 दिवसीय पर्व पर माता की झांकियां भी आज से सजने लगी थी। वहीं मन्नतों की जोत व घंटों की स्थापना देर शाम से मध्य रात्रि तक हो जाएगी। बड़ी खेल माई मंदिर भानदलैया में नवरात्र के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु जल ढारने के लिए पहुंच चुके हैं। कोई नंगे पैर पहुंचा है तो किसी ने दंड भरते हुए गाजे बाजे के साथ माता को श्रद्धा के पुष्प अर्पित। बधाई बजवाने वालों की भी कतार लगी हुई है। बूढ़ी खेल माई मंदिर चार खंबा छोटी देवन दीक्षितपुरा त्रिपुर सुंदरी माता तेवर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शाम को विशेष श्रृंगार होगा और महाआरती में भी लोग जुटेंगे। दुर्गा पंडालों में भी देवी प्रतिमाओं की होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। जबलपुर से 9 दुर्ग का प्रारंभ हो गई है। आज कल पिट्टी का श्रृंगार है और माता रानी बहुत से आ रही हैं और इसी तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह से आगमन सुबह सुबह 3 बजे से जल ढालने का कार्यक्रम चालू हो गया। क्या नाम आपका? बालकृष्ण गुप्ता। सुबह से जल ढालने क्रम जारी। दीदी आप सुबह से आए हैं यहाँ पे जल ढालने के लिए, क्या नाम आपका? अच्छा आप बताइए अभी आए हैं कितने बजे आ गए? अभी आ रहे हैं 8:30 बजे से आए। मेरा नाम सरस्वती, मैं बाबा टोले से रिकॉर्ड खंगाले, दस्तावेज जब्त। आयकर विभाग ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक पदाधिकारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अस्पताल सहित 3 अस्पताल व 1 ट्रांसफार्मर व सौर ऊर्जा उपकरण निर्माता की फैक्ट्री एवं कार्यालय के छापे की कार्यवाही की। कार्यवाही आयकर विवरणी में आय कम दर्शाने सहित अन्य गड़बड़ियों के चलते की गई है। बुधवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम ने संघ से जुड़े एक पदाधिकारी के गोल बाजार स्थित नेत्र अस्पताल, राइट टाउन स्थित एक शिशु रोग विशेषज्ञ के अस्पताल व न्यूरोलॉजिस्ट के मदन महल थाने के पास स्थित अस्पताल में छापे की कार्यवाही की। आयकर अधिकारियों ने अस्पताल में कार्रवाई के दौरान यहां आय से जुड़े सभी दस्तावेज, ओपीडी में आने वाले मरीजों के रिकॉर्ड, भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इसी तरह हाथीताल स्थित ट्रांसफार्मर व सौर ऊर्जा उपकरण निर्माता कंपनी के कार्यालय एवं रिछाई फैक्ट्री में भी आयकर टीम ने कार्रवाई की। यहाँ भी बड़े पैमाने में आयकर से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई। डॉक्टर साहब
रवानगी के पहले मानसून सक्रिय, 1.5 इंच से अधिक बारिश, दिन भर रिमझिम, शाम को झमाझम से शहर तरबतर। रवानगी के ठीक पहले मानसून फिर सक्रिय हुआ है, आसमान पर बादल मंडरा रहे हैं। संभाग में 2 दिन तक अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। शहर के कुछ क्षेत्रों में मंगलवार रात झमाझम बारिश हुई, जबकि बुधवार को दिन में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम खुश मिजाज हो गया और लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय होने से झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दबाव के चक्रवात बने हैं। बारिश की संभावनाएं इसके कारण बढ़ गई। शहर में बुधवार को 40.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंगलवार रात भी कई क्षेत्र पानी से तरबतर हुए, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र के आधारताल क्षेत्र में बारिश न होने के कारण रिकॉर्ड में बारिश दर्ज नहीं हुई। मानसून सीजन अब तक 905.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले में बारिश का सालाना औसत 55 इंच है। पिछले साल 20 सितंबर तक 1425.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उधर बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 29.9 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 24.4 दर्ज किया गया। उत्तरी हवा औसत से 2 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अगर यह हवा ऐसे ही चलती रही तो नमी के साथ बारिश की संभावना बढ़ेगी। पानी बहाते भी तो है लोग, जो भी भ्रामक करते हैं। पानी बहाते भी तो है लोग, जो कहीं सहमति तो कहीं दो नामों का पैनल। कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए दूसरे दिन भी राय शुमारी। कांग्रेस संगठन के 9 ब्लॉकों को चुनाव प्रक्रिया के दूसरे दिन भी जारी रही राय शुमारी के बीच 3 ब्लॉक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष के नाम पर सहमति गई। कस्तूरबा ब्लॉक के 5 दावेदार सामने आए। सभी उम्मीदवार के नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे जाएंगे, जिसके बाद नामों पर अंतिम मुहर भी लगेगी। राय शुमारी के दौरान कार्यालय में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। संगठन चुनाव के दौरान शंकर शाह ब्लॉक के BRO ने विधायक तरुण भानोर व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बैठक की और ब्लॉक अध्यक्ष के पद के लिए बलवंत गुजर का नाम तय हुआ। ब्लॉक के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जताई है। राय शुमारी के दौरान कमला नेहरू ब्लॉक के अध्यक्ष पद के लिए शेखर सोनी के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। इसी तरह से शास्त्री ब्लॉक में आजम खान के नाम पर सर्वसम्मति बन गई। कैंट ब्लॉक में रितेश तिवारी, मौलाना ब्लॉक में अध्यक्ष पद के लिए रज्जू सराफ, पंकज अग्रहरी के नाम आए हैं। पार्टी संगठन के 4 लोगों की कमेटी इनमें से नाम फाइनल करेगी। मोतीलाल नेहरू ब्लॉक में राजू उपाध्याय व जितेंद्र सिंह, तिलक ब्लॉक में भी संजय अहिरवार व धर्मेंद्र सौंदर के नाम सामने आए। कांग्रेस कार्यालय में दिन भर हलचल रही। पार्टी पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राय शुमारी के दौरान कई ब्लॉकों के अध्यक्ष के नाम लगभग फाइनल होने पर वे नारे लगाकर खुशी जाहिर करते रहे। कांग्रेस हाँ भी बताइए। कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे हैं, उसी प्रक्रिया में अभी 2 दिन से शहर जिला कांग्रेस कमेटी में 9 ब्लॉकों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पर DRO माननीय मातंग सिंह जी को भेजा गया है। साथ में हमारे BRO भी आए हुए हैं, जो प्रत्येक ब्लॉक से, ब्लॉक के जो जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सुबह सदस्य हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे चर्चा करके निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि लगभग 75% आम सहमति हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो एक आध दो ब्लॉक में कहीं ऐसा है, उसके लिए बकायदा
वरिष्ठों से पुनः राय सलाह करके और उनको भी आम सहम राय शुमारी मिला के और बहुत जल्द अगले 10 दिन के अंदर, जैसा कि डीआरओ साहब ने जानकारी दी है, अगले 10 दिनों के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की घोषणाएं हो जाएंगी। फास्ट पैसेंजर के इंजन का दम फूला, सवा 3 घंटे खड़ी रही ट्रेन, करक बेल श्री धाम के बीच फेल हुआ इंजन, यात्री हुए परेशान। इटारसी सतना के बीच चलने वाली 5161 डाउन फास्ट पैसेंजर का इंजन फेल होने से बुधवार को यात्री हलाकान हुए। यह ट्रेन करक बेल श्री धाम के बीच 3.25 घंटे खड़ी रही, यात्रियों में आक्रोश रहा। जबलपुर से दूसरा इंजन भेजने के बाद ट्रेन रवाना हो सकी। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह इटारसी से 10 मिनट देर से छूटी फास्ट पैसेंजर सुबह 9:23 पर करक बेल 1:35 देरी से पहुंची थी। यहां से छूटने के बाद मुंगेली के पास स्थित गेट क्रमांक 282 के पास इसका इंजन फेल हो गया। डाउन मेन लाइन पर खड़ी हुई ये गाड़ी दोपहर 12:44 पर आगे बढ़ पाई। यह 4.5 घंटे देरी से जबलपुर आई। वहीं इसी के कारण डाउन मेन लाइन 3.25 घंटे तक ब्लॉक रही। हालांकि इस दौरान पीछे से डाउन डिसर की ओर कोई ट्रेन नहीं आने के कारण अन्य ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। देखना पा रहे धुआं भी फेंकरा जुआ मारो की बिजली होना को मेरी भी लगी है हमारे तो इंजन रख लो को ले हमारे भी तेरा देर तक है हाँ मेरे नंबर पहुंच जा देखना पा रहे धुआं भी फेंकरा जुआ मारो की बिजली होना को मेरी भी लगी है हमारे तो इंजन के ऊपर पहुंचा पानी। कीचड़ में सनी दुगाड़ी नाला की डायवर्जन रोड। मुख्य मार्ग पर दुगाड़ी नाला पुलिया का चौड़ीकरण कारण लोगों की परेशानी बन गया है। निर्माण के चलते पहले से मुख्य पुल को बंद कर दिया गया है और अब डायवर्जन रोड से भी वाहन निकालना लोगों के लिए कठिन हो गया है। बुधवार को शाम 2 घंटे से अधिक हुई झमाझम बारिश के बाद नाले में पानी का जल स्तर बढ़ गया और अप्रोच रोड में बनाई गई पुलिया के ऊपर से पानी आ जाने से वाहन निकालने के लिए लोगों को मशक्कत भी करनी पड़ी। पुलिया के दोनों ओर डाली गई मिट्टी का कुछ हिस्सा भी बह गया और इसके चलते वाहन चालकों को वाहनों के निकालने में काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। इसके पहले ही बारिश के कारण दलदल बनी सड़क को लेकर परेशान थे। चौड़ीकरण का कार्य अक्टूबर माह के अंत तक पूरा होना है जबकि बेस का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जाम लग गया है। जागरूक करने सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार की सुबह खिरहनी ओवरब्रिज में सफाई की गई और लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान महापौर शशांक श्रीवास्तव, अनिल खरे, विजय डब्बू रजक, गौरी शंकर पटेल, सत्यनारायण तिवारी, संतोष जायसवाल, विजय कुमार स्वर्णकार, आशीष कंदेले, कमल किशोर झा, सुशांत साहू, रवि वर्मन सहित अन्य जन मौजूद थे। अच्छा हाँ भिंडा तो मुझे
भैया किसान उपभोक्ता बिजली बिल सुधरवाने लग रही लंबी कतार। कटनी बिजली विभाग के शहर कार्यालय में बिजली विभाग का ज्यादातर खपत सुधराने उपभोक्ता अनवर खान बुधवार की दोपहर कार्यालय पहुंचे। कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी ने अलग अलग अधिकारियों के पास जाकर समस्या बताने कहा। तीन कैबिन के चक्कर लगाने के बाद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उपभोक्ता ने आरएमएस कैबिन के कर्मचारी को जमकर फटका। इससे गुस्साए बिजली विभाग के कर्मचारी काम छोड़कर डी के कैबिन में आ गए। इस दौरान अधिकारियों को समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बुधवार को बिजली विभाग के कार्यालय में उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगी रही। ज्यादातर उपभोक्ता बिजली बिल में सुधार करवाने पहुंचे। उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें सामान्य खपत से ज्यादा खपत का बिजली बिल दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली बिल लेने भी पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद आप भी दोगे मुझे लगा। नहीं नहीं गाली की देने लगा कि आप भी देने लगे। गाली की बात नहीं, यहाँ गाली की बात कोई बात नहीं। गाली उन्होंने ये कहा है गाली नहीं देना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। तो कोई भी पब्लिक इस हाल में घूमे सबसे कह दीजिए शिकायत आप ऊपर नोट कराएंगे, आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। शाम को मेरे पास सारी शिकायत आएंगी, सब अधिकारी को बांट देंगे कि हल करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्या सही बात है, परेशान हंड्रेड नंबर लगाओ ना। शिकायत कर दीजिए, आप बोल रहे थे तो गाड़ी का जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। कांग्रेस विधायक ने किसानों के साथ मिलकर बहोरी बंद में किया आंदोलन। जिले को सूखाग्रस्त घोषित कराने बुधवार को कांग्रेस विधायक सौरभ सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र बहोरी बंद में आंदोलन किया। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजेश पांडे को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के दौरान कांग्रेस विधायक सिंह ने कहा कि जिले में इस साल अल्प वर्षा हुई है, खेतों के लिए खड़ी फसलें सूख गई हैं, किसानों पर कर्ज बढ़ गया है, अधिकांश जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। ऐसे में जिले के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिले को सूखाग्रस्त घोषित करे, किसानों का कर्ज माफ करे, जिन गाँवों में ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं उन गाँवों में नए ट्रांसफार्मर भी लगवाए जाए। विधायक सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसानों को 24 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं, जबकि किसानों को 6 से 7 घंटे की बिजली मिल रही है। अघोषित बिजली कटौती की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। इस दौरान विधायक सिंह ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए शासन प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है। समय सीमा पर निराकरण नहीं होने पर 5 अक्टूबर को जिले में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बैठक
में बुधवार को आयोजित सामान्य सभा की बैठक का जन प्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर दिया। जिला पंचायत के अवसरों पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और सरकार की नीतियों की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ममता पटेल ने बताया कि केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है, उसके बाद भी अफसरशाही हावी है। अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिला पंचायत की बैठक में जन प्रतिनिधियों का कोई कार्य नहीं होता, 3 साल बीतने के बाद भी हमारे क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं होता। शासन की जानकारी नहीं दी जाती है, जो समस्या बताई जाती है उसके बारे में गुमराह किया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी हम लोगों का फोन भी नहीं उठाते, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल ने कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली पर सुधार नहीं करते तो सभी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री से अधिकारियों की शिकायत करेंगे। बहिष्कार के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, जनपद अध्यक्ष कन्हैया विश्वकर्मा, डॉक्टर ए के खान, निधि गोलू तिवारी आदि मौजूद रहे। इनके द्वारा नहीं चेता गया तो एक साथ माननीय सभापति महोदय के साथ इकट्ठा एक साथ देंगे ना भाई, बोलने के पहले इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन एक साथ इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा। एक मिनट भैया, त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में सामूहिक इस्तीफा देने की अगली तैयारी है, इसलिए अधिकारी आगाज हो जाएं कि हमारी सरकार की मंशा को बदनाम न करें। सरकार की मंशा है कि काम हो, योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन हो, लेकिन कुछ निकम्मे अधिकारी कर्मचारियों के कारण उन योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है, इस कारण आज जिला पंचायत की सामान सभा में निंदा प्रस्ताव डाला गया। शक्ति की उपासना का महापर्व शुरू, देवी मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। शक्ति की उपासना का महापर्व आज से शुरू हो गया है। शहर के प्रमुख शक्तिपीठ जालपा मड़िया में अल सुबह से उपासना का क्रम जारी है। माँ जालपा की आराधना के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जल धारने लोगों की भीड़ लगी रही। माँ जालपा की साथ माता शारदा कालका सहित 64 योगिनियों की विशेष पूजा हो रही है। महिलाओं, युवतियों, पुरुषों सहित बच्चों की भीड़ यहाँ देखी जा रही है। बारिश के बाद भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। माता के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं द्वारा पूजन भी किया जा रहा है। बारिश थमते ही आस्था मंदिर में उमड़ पड़ी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूजन के लिए पहुंचे हैं। सभी लोग माँ के जयकारों के साथ परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए पढ़ते रहिए पत्रिका या फिर लॉगिन कीजिए www.patrika.com पे। नमस्कार, जय हिंद।